हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यू सिलाई फैशन में। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाली कढ़ाई के सूट कॉलर वाले कैसे काटे जाते हैं। देखिए, ये मैंने सूट का कपड़ा लिया है। हमें इस कपड़े को पहले खोल लेना है इस तरह से। ये पीछे वाला पर्त जो है इसमें जॉइंड है, इसको हम पहले खोल लेंगे। देखिए ये सिलाई लगी हुई है, पहले हम इसको खोल लेंगे। देखिए ये पीछे वाले पर्त को पहले हम अलग रख देंगे, पहले हम आगे के पर्त की कटिंग करेंगे। इसको हम उल्टी तरफ को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। पहले कुर्ती की लंबाई है 37 इंच। देखिए इसकी पूरी लंबाई 37 इंच बैठ रही है। लेंथ ले ली। अब हम इसका ऊपर से पहले अब हम इसके तीरे के निशान लगाएंगे। देखिए इसका तीरा है 14 इंच का तैयार, जिसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। डबल करके मतलब सिंगल लेंगे तो पूरा 1 इंच लेना पड़ेगा, और डबल लिया है तो आधा इंच। यहाँ पे 7.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। साढ़े 6 इंच पर हम इसके मुड्ढे के निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। एक इंच पर हम इसकी आर्म होल की गुलाई करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। देखिए मैंने इसकी फिटिंग अब हम इसकी फिटिंग लेंगे। पहले इसकी फिटिंग है, सीना की फिटिंग है 30, जिसका हमें आधा लेना है। जहाँ तक सिलाई लगेगी वहाँ तक 14.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम सीना की फिटिंग लगाएंगे यहाँ पे 7.5 पर। कमर की फिटिंग 6.5 इंच पर नीचे लगेगी। यहाँ से अब इन निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे पहले। देखिए हिप की फिटिंग भी 7.5 पर ही लगेगी। देखिए ये सीना की फिटिंग हुई, ये कमर की, ये हिप की। दामन नीचे के 19 के तैयार हैं। हम 19 का आधा लेंगे 9.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस वाले निशान को हम इस वाले निशान से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। दो इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है कटिंग के लिए, ये सिलाई से अलग है। इस पर हम कटिंग करेंगे।
हमें इसकी कटिंग बिल्कुल मार्क पर ही करनी है। इस तरह से एक यहाँ पर कट मार लेंगे हिप की फिटिंग पर, इस तरह से देखिए। ये आगे वाले पर्थ की कटिंग हो गई। अब इस वाले निशान को हम इस तरह भी छाप लेंगे। इसको हमें इसकी कटिंग बिल्कुल मार्क पर ही करनी है। इस तरह से एक यहाँ पर कट मार लेंगे हिप की फिटिंग पर, इस तरह से देखिए। ये आगे वाले पर्थ की कटिंग हो गई। अब इस वाले निशान को हम इस तरह भी छाप लेंगे। इसको सीधा करके देखिए, हल्के हल्के निशान लग गए हैं। अब हम इन्हें डार्क कर लेंगे। देखिए अब हम इसी तरह से इस कपड़े को पीछे वाले पर्थ पर रखेंगे और उसकी भी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। देखिए मैंने आगे वाले पर्थ को पीछे वाले पर्थ के हिस्से पर रख लिया है और हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है, यहाँ इस तरह से। देखिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी इसमें भी कट मार लेंगे। देखिए ये आगे वाला पर, ये पीछे वाला, देखिए फ्रेंड्स कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी मिस्टेक लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।